Hi Divyansh Devendra Sulabh, welcome to my science class. Today we will read to blood. अर्थात आज हम रुधिर के बारे में अध्ययन करेंगे. इसका अध्ययन हम चित्र के द्वारा करेंगे मित्रों. देखिए दोस्तों, इस चित्र को मैंने खुद बनाया है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती मनुष्य की के रक्त कण क्या है. दोस्तों ये देखिए, बहुत ध्यान लगाकर देखिएगा. इस चित्र को हमने बहुत साधारण बनाया है, ध्यान से देखिए आप. ये सब जो छोटी छोटी कणिकाएं दिख रही हैं, एक क्या है प्लाज्मा और एक क्या है इस पर तीर हमने बनाई हुई है, ये रुधिर कणिकाएं हैं. दोस्तों रुधिर रक्त खून जो होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है, ये सब हम आज अध्ययन करेंगे, विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे. रुधिर तीन टाइप का होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स. तो हम लोग सर्वप्रथम पहले वाले लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे. इसका अंग्रेजी में नाम क्या होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल. क्या, रेड ब्लड कार्पस्कल, इसको शॉर्टकट में RBC भी कहते हैं. समझे दोस्त, आपने अपने शरीर से लाल रक्त बहते हुए तो देखा ही होगा. कभी कभी हाथ कट जाता है तो खून निकलता है ना, खून को ही रक्त कहते हैं दोस्तों. लेकिन ये लाल क्यों होता है ये हम लोग जान लेते हैं. इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है. इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, 100 से 120 दिन तक होता है दोस्तों. ये कहाँ पर बनती हैं, ये अस्थि मज्जा में बनती हैं. मैंने भी 5वीं क्लास में भी इसको पढ़ा था और 7वीं क्लास में भी इसको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको ये विस्तारित रूप से बता रहा हूँ दोस्तों. RBC रेड ब्लड कार्पस्कल का कार्य, इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य क्या है, ये सब हम लोग बहुत विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे. इसका कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक अध्ययन यानी कि आदान प्रदान करना. श्वेत रुधिर कणिकाएं ये क्या होती हैं, इनका अंग्रेजी में नाम क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल, इसलिए क्योंकि ये सफेद होती हैं. ये हमारे शरीर में बहुत कम पाई जाती हैं दोस्तों, और इसका शॉर्टकट में नाम है WBC. दोस्तों श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पस्कल WBC ये कहाँ पर बनती है, प्लीहा में बनती है. इनका जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन का होता है मित्रों. आपको ये ध्यान रखना है, बड़े ही काम की चीज है. कितने दिनों तक होता है इनका जीवन काल, 1 से 4 दिनों का होता है दोस्तों. और ये पुनः बनती रहती है हर वक्त. शरीर को जब कोई रोगाणु या दूसरा परजीव प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC व्हाइट ब्लड कार्पस्कल की भी संख्या में वृद्धि हो जाती है दोस्तों. ये तीसरा पॉइंट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, रुधिर प्लेटलेट्स. आपको इनके प्रकार में हमने बताया था कि 3 प्रकार की होती हैं. तो अब हम आ जाते हैं रुधिर प्लेटलेट्स पर दोस्तों. इसका अंग्रेजी में नाम क्या होता है, ब्लड. ब्लड किसे कहते हैं, रुधिर रक्त को, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स इसका अंग्रेजी में नाम होता है. इनकी संख्या लगभग से दोस्तों 2 लाख से 5 लाख होती है. इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है दोस्तों. क्या आपको रुधिर पढ़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, आनंद आ रहा है, बताइए कमेंट. रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स वर्क. रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं दोस्तों. आपको जब चोट लग जाती है तो रक्त निकलने लगता है यानी कि खून निकलने लगता है. आप अक्सर इसे खून ही कहते हैं दोस्तों, समझ गए दोस्तों. जब खून बहता है तब ये थक्का बनाकर उसका जमाव कर देती है दोस्तों. अब हम लोग आपको ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर का वर्ग के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों. अब हम आपको रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ाएंगे. देखिए इनके प्रकार कितने होते हैं, ये होते हैं ये BABO, ये सब क्या है ब्लड ग्रुप हैं दोस्तों. जो रुधिर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ग्राही कहते हैं, और जो रुधिर देते हैं उन्हें दाता कहते हैं दोस्तों. देखिए दोस्तों, माना कि श्याम का रुधिर वर्ग ये है,
तो किसको दे सकता है अपना रुधिर वर्ग? ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। और अब हम बता देते हैं आपको बी वाले ब्लड ग्रुप के बारे में। ये को नहीं दे सकता, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता है। ए बी ना ही ए को दे सकता है ना बी को, ए बी को दे सकता है और ओ को भी नहीं दे सकता, ओ सबको दे सकता है। इस सबको दे सकता है दोस्तों, ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है ये सबको दे सकता है, यानी कि ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। दोस्तों ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ओ को सर्वदाता कहते हैं। ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि समझिए दोस्तों, वो सर्वदाता इसलिए है क्योंकि ये सबको दे सकता है, और ए बी इसलिए सबसे सर्वग्राही है क्योंकि ये सबसे ले सकता है दोस्तों, सबसे ले सकता है। रुधिर बैंक में रुधिर जमा होता है दोस्तों। दोस्तों आज के चैप्टर में आपको मजा आया? हमें लाइक कमेंट कीजिए, और दिव्यांश देवेंद्र शुक्ला हमारे ग्रुप का नाम है दोस्तों। आज का लेक्चर दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।